Today we are going to start a new chapter, chapter number 8, works. Works के बारे में लगातार पिछली क्लासेस से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये पूरा चैप्टर ही works. तो works क्या है? Work एक ऐसा वर्ड है जो एक्शन को दिखाता है. किसे दिखाता है? एक्शन को. It shows action. Verb एक ऐसा वर्ड है जो हमें क्या दिखाता है? सेंटेंस में एक्शन को दिखाता है. बिना वर्ब्स के सेंटेंस बनाना नामुमकिन. कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जिसमें वर्ब का यूज ना हो. यानी सेंटेंस बनाने के लिए आपको कम से कम वर्ब्स की जरूरत हो पड़ेगी. तो इस ऐसे सेंटेंस में हम जानते हैं बिना सेंटेंस कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब उसके नहीं बन सकता, जो इसकी इंपॉर्टेंस को और ज्यादा बढ़ा देगा. ठीक है, तो वर्ब के बारे में आगे पढ़ते हैं हम लोग. वर्ब कैसे टाइप्स को होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, किसके रूप में काम करता है, ट्रांजिटिव वर्ब के इंट्रांजिटिव वर्ब के कभी कम से कम रूप में. तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं. जैसे अगर हम सेंटेंस लेके आई लिव इन न्यू दिल्ली, अगर इस सेंटेंस में देखा जाए लिखा हुआ आई लिव इन न्यू दिल्ली, मैं न्यू दिल्ली में रहता हूँ. यहाँ पर जो लिव लिखा हुआ है ये हमारा क्या है? यही हमारा वर्ब. लिव मतलब रहना. आप आगे देखो जैसे सी मतलब रोड पर सी कुछ सेंटेंस आपके साथ है. इस सेंटेंस को पढ़ते हैं. इस सेंटेंस में जैसे लिव हुआ, ओपन हुआ, कोलाइडेड हुआ, इज हुआ, ये सारे हमारे क्या है? ये सारे हमारे वर्ब्स हैं जो सेंटेंस में यूज हो रहा है. मैंने यूज होकर किसको दिखाया है? एक्शन को. जैसे आई लिव इन न्यू दिल्ली, मैं न्यू दिल्ली में रहता हूँ. यहाँ पर लिव मतलब क्या होता है? रहना. तो रहना क्या हुआ है? एक्शन हुआ. जैसे मैं लिख रहा हूँ ये भी एक एक्शन है. बोल रहा हूं तो बोलना भी एक एक्शन है. पढ़ रहा हूं तो पढ़ना भी एक एक्शन है. पंखा चल रहा है, चलना भी क्या है? एक एक्शन है. हवा चल रही है, चल हवा का चलना भी क्या है? एक एक्शन है. ठीक है, दो गाड़ी आपका लड़ गई तो लड़ना भी एक एक्शन है. ठीक है, तो वर्ब मतलब क्या? एक्शन है. यानी ये एक्शन को दिखाते हैं. जैसे आई लिव इन न्यू दिल्ली, मैं न्यू दिल्ली में रहता हूं. रहना क्या हुआ? एक एक्शन. सी ओपन द डोर फॉर मी, वो मेरे लिए दरवाजा खोली. तो खोलना क्या हुआ? एक एक्शन हुआ. द कार कोलाइडेड विद द ट्रैक्टर, कार ट्रैक्टर से क्या हुआ? भिड़ गया, कोलाइड कर गया. कोलाइड करने क्या हुआ? एक एक्शन हुआ. माय फादर इज ए डॉक्टर, मेरे फादर एक डॉक्टर है. इस भी क्या है? हमारे वर्ब. तो आइए अब आगे इसका भी देखते हैं. अब हम देखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब. सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके बारे में ट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब कहलाता है जिस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है. यानी वर्ब को फॉलो करता है वर्ब ऑब्जेक्ट, तो उस वर्ब को क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. जैसे सी ओ
और लेटर। यहाँ पर अगर हम देखें तो रोड क्या है, ये हमारा वर्ब है। राइट मतलब लिखना, रोड ये सेकंड फॉर्म में राइट की, रोड यानी लिखा। तो लिखना क्या हुआ बताया था, ये एक्शन है। तो एक्शन के बाद देखिए इस वर्ब के बाद क्या आ रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है। वर्ब को फॉलो कौन कर रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो ये वैसा वर्ब कहलाएगा, प्रागृतिक वर्ब कहलाएगा। यानी जब कभी भी वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो ऐसे वर्ब को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब पर। इन ट्रांजिटिव वर्ब कैसे होते हैं, इन ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब कहलाते हैं जिन वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आता। जैसे बेल रिंग्स, बेल ये हमारा सब्जेक्ट है, रिंग ये क्या है हमारा वर्ब, रिंग मतलब बजना। तो अगर कोई चीज बज रही है तो भी क्या है, एक एक्शन है, बजना भी एक एक्शन है। इस वर्ब के बाद देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है, यानी जब कोई भी ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद नहीं आता है तो ऐसे वर्ब को हम क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। बिल्कुल सिंपल था, ये क्या हो जाएगा हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये अपने आप को अपनी मीनिंग को कंप्लीट कर देता है। अगर देखो बेल बजी या बेल बजती हो, ठीक है, ये हुई ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब की बात। अब हम आगे आएंगे वर्ब जो है कंप्लीमेंट्री रूप में यूज करेगा, किसके रूप में, कंप्लीमेंट्री रूप में। देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या है, कभी कभी ऐसा होता है सेंटेंस जो लिखे जाते हैं उस सेंटेंस में वर्ड जो है अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए कुछ और वर्ड्स की जरूरत पड़ती है, कुछ और वर्ड्स की है लेने की जरूरत पड़ती है। तो उन सारे वर्ड्स को क्या कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है। और जो वर्ब होता है वर्ब बोला जाता है वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। जैसे सी इज अ डॉक्टर, कौन कहता है सी इज अ डॉक्टर। अगर सी हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, ये वर्ब है, यहां तक लिखा जाए सी इज वो है, इसको छिपा दे जाए मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रही। इसकी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए कुछ और वर्ड्स की जरूरत पड़ती है, वो वर्ड्स हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट। जैसे यहाँ पर डॉक्टर जो है इस रूप में यूज हुआ है, कंप्लीमेंट के रूप में यूज हुआ है। ये आकर इस पूरे सेंटेंस की मीनिंग को क्या कर दे रहा है, कंप्लीट कर दे रहा है, ठीक है। आई बात समझ में, ये सेंटेंस की या इस वर्ब की मीनिंग को क्या कर दे रहा है, कंप्लीट कर दे रहा है। इस तरह से क्या कहलाएगा, कंप्लीमेंट कहलाएगा। और ये वर्ब है, वर्ब को क्या कहते हैं, वर्ब को इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। जैसे लिखा हुआ है ही अपीयर्स हैंडसम, ये सब्जेक्ट हमारा है, अपीयर्स क्या है वर्ब, अपीयर मतलब दिखना, दिखना भी क्या है एक्शन है, कोई दिख रहा है वो भी क्या है एक्शन है। वो कैसा दिखता है, हैंडसम दिखता है, खूबसूरत दिखता है। अगर इसको छिपा लिया जाए ही अपीयर्स वो दिखता है, कहीं ना कहीं यहाँ पर वर्ब की जो मीनिंग है वो कंप्लीट नहीं हो रही है। और कंप्लीट करने के लिए जिस वर्ड का यूज किया है हैंडसम, मतलब यही हमारा क्या है, यही हमारा कॉम्प्लीमेंट है। और जब ये कॉम्प्लीमेंट वर्ब ले लेता है तो इस वर्ब को क्या बोलते हैं, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन, ठीक है। अब हम देखेंगे वर्ब्स के जो कॉम्प्लीमेंट है, वर्ब के जो कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, इस चीज को हम पढ़ेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तब तक इसमें जो बताया गया है वर्ब्स के
बारे में वर्ब क्या होता है, वर्ब एक्शन को दिखाता है, ठीक है। जैसे लिखना हुआ, पढ़ना हुआ, खेलना हुआ, सब क्या हमारे आंसर है, दिखना हुआ, चलना हुआ, पढ़ना हुआ, ये सारे क्या हमारे एक्शन है। इसी तरीके से ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, और कंप्लीमेंट वर्ब कब, वर्ब कब कंप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है, इन चीजों को आपको अच्छे तरीके से रीड करनी होगी, ठीक है। तो आज बात हम लोग खत्म करते हैं। Love that.